दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी से कहा कि वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर विचार कर सकता है और एजेंसी इसके लिए तैयार रहे। केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। वहीं ईडी ने साफ कर दिया कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेगी। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनके बयानों की ओर इशारा किया और कहा, देखिए वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एजेंसी को अपनी मंशा के बारे में बता रहा है ताकि 7 मई को जब अंतरिम जमानत का मुद्दा आए तो वो चौंक ना जाए। कोर्ट ने कहा, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करना चाहेंगे और ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत दे ही देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। केजरीवाल की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि 16 मार्च को चुनाव की घोषणा की गई और 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने उसके पास पिछले साल जुलाई से उपलब्ध बयानों और सामग्रियों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में 23 मई को प्रचार थम जाएगा और 25 मई को मतदान होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की इन दलीलों की आलोचना की कि राजनीतिक दल होने के नाते आप पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में नहीं आएंगे जो कंपनियों के अपराधों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा, आपकी दलीलों को स्वीकार करना मुश्किल है। फिलहाल अब केजरीवाल के मामले में 7 मई पर निगाहें टिकी हुई हैं।